नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 Lite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A16 में 6.45 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A16 में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A16 में 0.33 इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A16 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A16 में 190 ग्राम जबकि Redmi Note 10 Lite में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A16 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A16 में 6.52 इंचेस जबकि Redmi Note 10 Lite में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A16 में 720x1600 और Redmi Note 10 Lite में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A16 में 82.88% जबकि Redmi Note 10 Lite में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A16 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 10 Lite में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A16 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 Lite की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A16 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 10 Lite की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A16 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 10 Lite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A16 में पावर GE8320 जबकि Redmi Note 10 Lite में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A16 में MediaTek Helio G35 और Redmi Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A16 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A16 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 10 Lite में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A16 में अप टू 256GB जबकि Redmi Note 10 Lite में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A16 में 5000 mAh जबकि Redmi Note 10 Lite में 5020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A16 में 3 कलर्स जबकि Redmi Note 10 Lite में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A16 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Redmi Note 10 Lite की तो वो 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A16 में 2 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 10 Lite की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi Note 10 Lite आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Lite आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme C15 है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Moto G9 है जो कि 10,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 आई है जो कि 11,490 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।